भैया माता रानी का भक्त हूँ, थोड़ा हाथी की तरह लगता हूँ, लेकिन कुछ खाने को मिलेगा तो इसीलिए सोच के आ गया हूँ आज बारबेक्यू नेशन में। जब मैं छोटा बच्चा था ना, मैं यही करता था, सिर्फ पैसे लगा के मम्मी के पीछे भागा करता था। त्यौहार का टाइम क्यों याद आता है, मम्मी की याद क्यों आती है, नानी की याद क्यों आती है, क्योंकि यही तो वो टाइम होता है जब हम बहुत स्पेशल फील करते हैं, अपने घर वालों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसी चीज़ बाबी की नेशन में घुसते ही रही है, रंगोली बना रखी है एकदम बहुत बढ़िया वाली। ये मैंने अपने हाथों से नहीं बनाई है, मैं इसको अपने हाथों से खराब भी नहीं करूँगा, आपको लेके चलूँगा नवरात्रि कैसे मनाया जा रहा है विवेक विहार के बाबी की नेशन में। अरे कोई बात नहीं, हमारी तरफ से सो वी फाइंड दैट वॉर्म्थ विद अ स्टाफ, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट वन प्लेस that you've been going to with your family, that's Barbeque Nation. But aaj navratri pe hum log yahan par kya karne wale hain, come let me show you, please come. और ये हमें दिखाएंगे क्या क्या है खाने को। वैसे नवरात्रि में क्या होता है, क्लियरली रिमेम्बर घर पे क्या तुम्हारा व्रत है या नहीं है, वी डोंट केयर, यू हैव टू ईट वेजिटेरियन, क्योंकि हैव टू ईट वेजिटेरियन। बारबेक्यू नेशन हैज डन समथिंग फेनोमिनल इन द हिस्ट्री ऑफ बारबेक्यू नेशन, दिस हैज नेवर हैपेंड, दे हैव गॉन कंप्लीटली वेजिटेरियन एट टू आउटलेट्स, वन इज विवेक विहार वेयर आई एम राइट नाउ इन दिल्ली, अदर वन इज पीतमपुरा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दो आउटलेट्स पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए क्योंकि नवरात्रों का अवसर है और नवरात्रों में लोग वेजिटेरियन खाते हैं। सो वी रिस्पेक्ट सेंटीमेंट्स ऑफ आवर गेस्ट, पीपल से 100% वेजिटेरियन के बिल्कुल नॉन वेज नहीं होना चाहिए, वहम भी नहीं होना चाहिए कि साथ में अंडा मीट मछली पकड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। विवेक विहार एंड पीतमपुरा में आप आके चेकआउट कर सकते हैं, नॉन वेज गॉन, मुर्गियों को छुट्टी दे दी गई है, प्रॉन खुशी से समंदर में तैर रहे हैं और कुछ कह रही है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन चला है। सबसे पहले मैं विद योर प्राइवेट परमिशन आई वांट टू शो दिस फूड काउंटर, पलार हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कि मेरा काउंटर है, यस आप आइए, तो रोटी मिलेगी, यस ओके, तो हमारे काउंटर पे आप क्या कर रहे हो? मैं सर फ्रूट चाट बना रहा हूँ। मैं फ्रूट चाट बना रहा हूँ, आप बनाइए। क्या खाओ? मैं सर सर फ्रूट चाट, अरे तुम्हें फ्रूट कटवाएगा गलत बात है, ये भी वापस करो। ओके ओके ओके, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आइए आप फ्रूट चाट बनाएंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम विकास कुमार है। आपका नाम विकास कुमार है, हेलो की नाम बताइए, ये कौन सा नाम है? हिंदी में काम बोलिए, हिंदी में बोलिए, ये क्या है? ये सर केला है। ये क्या है? पक्का केला। केला ओके, बनाना। अब इंग्लिश में क्यों नहीं बोला? अभी वाला हिंदी बोले, हिंदी बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके ये क्या हो? ये सर अमरूद है। इंग्लिश में गुआवा। अच्छा बेटा सारे पता है आपको। ये क्या है? ये सर ग्रेप्स है, ब्लैक। राजा साहब को खिलाते हैं? हाँ यस सर, यस सर, हमारे बारे में जो है। तो क्या है कि सब फ्रूट्स हैं, मैं आपका और टेस्ट भी लूँगा, इसको क्या कहते हैं? ये सर एक हिंदी में एक काबुल फ्रूट्स बोलते हैं, बट हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सादा। शब्दा तो हिंदी में ही कहते हैं, नहीं सारे फ्रूट्स हैं। अगर आप ड्रैगन फ्रूट भी खाना चाहते हैं, यू कैन गेट ऑल द फ्रूट्स टुगेदर विद पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की एक बहुत खासियत होती है कि पाइनएप्पल वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, बाय द वे शुड टेल यू, नाशपाती, किसी का भी पति हो नाशपाती यहाँ पर है। और इसकी देखिए सेंधा नमक के साथ हल्की फुल्की मिर्च, नींबू, बहुत ही सात्विक आहार है ये वाला काउंटर पर। इसमें आप लोग आके फ्रूट चाट अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। ये अनलिमिटेड ड्रैगन फ्रूट भी हाई क्वालिटी। ओके नाउ सो वी टेक यू टू द बुफे काउंटर, बुफे काउंटर पे आइए। अभी आपने देखा फलाहार, फलाहार मतलब कि आप बात कर रहे थे नवरात्रों की, वेजिटेरियन फूड की,
100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो गया है ये, और खाली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वो इसलिए नहीं हम कह रहे हैं लोग के लिए हमारे पास हो गया, चाहते हैं कि सब नवरात्रि फेस्टिवल इन्जॉय करें। सबसे ज़्यादा क्या होता है डांडिया नवरात्रों में, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में लोग घूमते हैं, मंदिर जाते हैं, गरबा होता है। हाँ, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं तो गरबा करेंगे हम साथ में। ये बताओ आरुण भैया, हाँ जी, वेजिटेरियन का चिकन होता है, सोया चाप कहाँ आइए प्लीज, कहाँ है आइए सोया चाप गरबा करना है, आ जाओ। आप देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास लाइव वेज काउंटर है, इसे हम टकाटक काउंटर कह रहे हैं, टकाटक काउंटर। सोया सर्व किया जा रहा है, जैसे इन्होंने बोला वेजिटेरियन लोग जो कन्वर्ट होते हैं नॉन वेज से वेजिटेरियन में, जैसे मैं भी नॉन वेज से वेजिटेरियन में, तो मेरे चिकन इंस्पायरिंग स्टोरी एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिलीजियस बिलीफ और एनी अदर थिंग, इट्स जस्ट द सेंटिमेंट फॉर लाइफ बेसिकली दैट्स। सो नॉन वेज के रिप्लेसमेंट का लोग सोया में ढूंढते हैं। सर और ये शेफ साहब जो है वेजिटेरियंस की जो कुछ नॉन वेज आइटम्स होते हैं जो उन्हें ओके होते हैं, जैसे कि पनीर मशरूम और चाप, यही खा के काम चलाते हैं हम बेचारे गरीब वेज लोग। तो क्या क्या बना रहे हैं इसके लिए लाहौर से आया है ये टकाटक, हमने एक फेस्टिवल किया था उसकी टकाटक डिशेज थी, वो ऐसे करके तवा के ऊपर बहुत सारे वेज और नॉन वेज आइटम्स रहते हैं। इस बेचारे को परफॉर्मेंस की वजह से एंग्जाइटी हो रही है कि मुझसे बुलवा रहे हैं, अपना पे वहाँ देखो पीछे दोस्त मजे कैसे लेते हैं। अभी इन्होंने बहुत ही अच्छा बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस किया था, कौन सा सॉन्ग था वो बॉलीवुड। यहाँ पे टकाटक नॉन वेजिटेरियंस नहीं, वेजिटेरियंस का जो आइटम होता है जिसको खा के कहते हैं आह चिकन जैसी फील आ रही है, वो यहाँ पे पकता है वेज टकाटक, क्योंकि चाप है मशरूम है और पनीर है, तो इससे बनाते हैं टकाटक। सर क्यों कहते हैं टकाटक? इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत ही फेमस है टकाटक डिशेज, ऐसे तवा के ऊपर वो चॉप करके टकाटक तवे के ऊपर करते हैं और बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टकाटक। ऐसे चने भी है भाई, चने भी है, मम्मी को बता देना आज खाना नहीं बनाना है, चने हैं बारबेक्यू नेशन में। और पनीर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पनीर, ये पेपर पनीर है, ये कौन सा है, काली मिर्च। और एक है ये बड़ी सही सब्जी है फ्रूट तवा मसाला, फ्रूट पड़े और साथ में कड़ी पकौड़ा, बड़ी पापड़, मतलब वो चीज़ें मम्मी कहती हैं बेटा देखो नवरात्र है ढंग की चीज़ खा लो, सारी ढंग की चीज़ यही पड़े। यहाँ पर अचारी मिर्ची, अचार की खुशबू आ रही है इसमें से, and there is kofta, there is a whole salad menu here, of course this is the regular food, chawal, kadhi, everything, favorite part is desserts, as you can see bahut variety hai desserts mein, aur desserts mein every dessert is vegetarian, bakery mein bhi hamare paas jo items hai eggless hai sari, all veg, acha pastry mein jain mousse le, everything is veg, so okay. What should we hum kya khaye? आप ये ट्राई कीजिए, स्पेशल बनाया चॉकलेट गोलगप्पा, सो दिस इज चॉकलेट गोलगप्पा एज लाइट एज अ टीटी और आपके खाने आए हो अलग अलग यस आई वुड लाइक टू कलाकंद विद यू, कैन आई कलाकंद विद यू, जी ऐसा प्यार होने दिया। This is the feeling at Barbeque Nation. I didn't know that gentleman, but yeah, we are all one family, our guests. The world is my family. Come eat this. Ki aap khaoge? Chocolate. Main bilaunga ye.
So cheers on chocolate bagappa. Take care, sir. Be vegetarian 9 days. उसके बाद देखी जाएगी. अभी तो हम पूरे पूरे vegetarian हैं. एकदम पूरा and Vivek Vihar. But जाने से पहले एक छोटी सी request करना चाहूँगा कि आप हमारे Facebook page पे